हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और आज जो ये हमारी वीडियो है वो हमारी रहेगी कि साइंस में सीबीएसई ने क्लास नाइन्थ के सिलेबस में क्या क्या रिडक्शन किया है, कौन कौन से चैप्टर्स को ही हटा दिया गया है और किस किस टॉपिक्स को हटाया है, उन चीज़ों पर अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले इट्स माई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। और दूसरी बात यह है कि जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो चैप्टर देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स को जो है रिड्यूस किया है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा है यूनिट वन, उसमें जो है हमारे पास मैटर इन आर सराउंडिंग, इसमें क्या क्या आपके पास रिड्यूस किया है, जो भी दिया हुआ है सारा का सारा, डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैरेक्टरिस्टिक है। आप मतलब ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट इसमें से जो है फर्स्ट चैप्टर हमारा डिलीट हो गया है, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करके हमारा चैप्टर बन रहा था और वही ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, डिलीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो है दैट इज़ यूनिट सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या है, डाइवर्सिटी इन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बात बता सॉरी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था गाइस। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें सीखने को मिलता था, बट क्योंकि कोरोना वायरस है इसकी वजह से जो है हो सकता है सीबीएसई ने कम कर दिया है। तो अब आपको ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ बताए हुए हैं, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स और एनिमल, बेसिक इश्यूज़ जो है इन साइंटिफिक नेमिंग, उसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर हायरार्की जो है, ये सब आपको जो है करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे 2021 के बीच में जो है, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद है तीसरा, दैट इज़ मोशन, जो है थर्ड जो अपना पास आता है दैट इज़ मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये थर्ड यूनिट है अपने पास, ठीक है। तो इसके अंदर सारा चैप्टर नहीं रिड्यूस किया है, इसमें एक दो टॉपिक कम कर दिए हैं, दैट इज़ एक तो फ्लोटिंग कर दिया है आपके पास, फ्लोटेशन, और उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपके पास है साउंड, ठीक है। तो साउंड को भी क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब ये देखिए, इसके अंदर हमारे पास क्या आता था, इसके अंदर आता था जैसे थ्रस्ट हो गया है, प्रेशर हो गया है, आर्कमिडीज प्रिंसिपल हो गया है, बाउंसी फोर्स हो गया है, एलिमेंट्री जो है आइडिया हो गया है, रिलेटिव डेंसिटी हो गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। बट आपको जैसा पता है बस रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। और साउंड में भी क्या है, साउंड में भी देखिए नेचर ऑफ साउंड क्या होता है एंड इट्स प्रोपिगेशन क्या है इन द वेरियस मीडिया, और स्पीड ऑफ साउंड है, रेंज ऑफ हियरिंग है, ये सब कुछ क्या कर रखा है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है दैट इज यूनिट फाइव। यूनिट फाइव क्या है, दैट इज फूड प्रोडक्शन, ठीक है। फूड प्रोडक्शन को भी क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। देखिए क्या क्या हटा दिया इसमें से, जैसे कि आप देख सकते हो प्लांट्स हो गया है, एनिमल हमारे पास जो है ब्रीडिंग हो गई है, सिलेक्शन फॉर द जो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट है, फिर इसके बाद यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर है, फिर इसके बाद ये सारे जो है, इसके बाद प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स है और सॉरी पेस्ट है एंड डिजीज़ है, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो ये सारे सारे क्या है हमारे पास, सारे सारे रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ डिलीटेड प्रैक्टिकल्स भी हैं। जैसा आपको पता है सिलेबस में अगर रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस बात है प्रैक्टिकल्स भी रिड्यूस होंगे, क्योंकि वो टॉपिक से रिलेटेड आपसे जो है अब प्रैक्टिकल्स भी नहीं करवाए जा सकते हैं। तो उसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड है, फिर उसके बाद कॉमन सॉल्ट है, देन अमोनियम जो है क्लोराइड है, ये भी क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ये है ना आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसे भी हटा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, दैट इज थर्ड, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसे भी क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, जैसे कि ये दिख रहे होगे आप जो है, मतलब हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको बताया था पीछे, जो बायो में एक चैप्टर पूरा का पूरा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो रिड्यूस कर दिया गया था, और उसी के दो आपके पास टॉपिक आते हैं प्रैक्टिकल में, उनको भी हटा दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह से सेवन्थ जो है आपके पास, वो भी रिमूव कर दिया गया है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल नोट डाउन कर लोगे इनको, कि ये सारी चीज़ें अब आपको नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो आपके पास सिलेबस रह गया है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और इसे जितना हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड थैंक यू टू ऑल।